हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्ज़ाम मास्टर चैनल पे। मैं सौरभ पांडे आप सभी को ये लाइव वीडियो दे रहा हूँ, देखिए। और आशा करता हूँ कि यार इस लाइव वीडियो में आपको जो है मेरी वॉइस और पिक्चर दोनों क्लियर आएगी, ठीक है। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आ जाइए, आप सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पर हम आप सभी के सामने, कीर्ति मौर्या, कविता, हे गाइस, हेलो, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जस्ट वेट, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। कैमरा सेट है ना, एकदम बढ़िया से आप लोग देख पाओगे। जस्ट वेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि सबको मेरी वॉइस एंड पिक्चर एकदम क्लियर आ रही होगी। पहला क्वेश्चन, विच बटरफ्लाई हैज बिको द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया। आप सबको मैं देख ले रहा हूँ ये लाइव वीडियो कैसा नजर आ रहा है। अगर बढ़िया है तो हम कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से चैट करके आप लोग बता दीजिए। ये नया जुगाड़ मैंने अभी लगाया है और ये जुगाड़ कितना सक्सेस है ये देखने वाली बात होगी। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच बटरफ्लाई हैज बिकम द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया। कौन सा बटरफ्लाई जो है, कौन सा तितली भारत का सबसे बड़ा तितली बन गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, सबको वॉइस एंड पिक्चर क्लियर है, आवाज कम है, वॉइस कम आ रही है तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। पहला क्वेश्चन है देखिए आपकी स्क्रीन पर, बताइए कौन सा तितली भारत का सबसे बड़ा तितली बन गया है। निम्फैलिस एंटोपिया, गोल्डन बर्डविंग, साउथर्न बर्डविंग या पैरसिस। चौथा ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन पहला प्रश्न होगा, जवाब होगा यहां पर दोस्तों गोल्डन बर्डविंग। ये विश्व का सबसे बड़ा तितली जो है वो बन गया है। सबको वॉइस एंड पिक्चर क्लियर है, किसी को बफरिंग तो नहीं हो रही है, आवाज सही नहीं आ रही है, वॉइस सही नहीं आ रही है आप सबको, बताइए, वॉल्यूम कम आ रही है। गोल्डन बर्डविंग पहला जवाब सही होगा। नाउ इट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप का योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, योटो NM1 डेटा सेंटर किस भारतीय राज्य में है। क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर है, दूसरा प्रश्न, वॉइस ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप का योटा इंफ्रास्ट्रक्चर का योटो NM1 डेटा सेंटर ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या हरियाणा। दूसरा प्रश्न है महाराष्ट्र। यहां पर दोस्तों दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। सेकंड ऑप्शन के लिए जाएंगे, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है ये, बी ऑप्शन के लिए जाएंगे, ठीक है। किस बैंक ने भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए LNDT इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को सहायता की है। पहली किस्त में $50 मिलियन जारी किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है आपकी स्क्रीन पर, तीसरा प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर तीन है आपकी स्क्रीन पर, जवाब होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है,
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बी ऑप्शन के लिए जाएंगे। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी जल्दी सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? सब लोग वीडियो लाइक कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, देखिए, जम्मू कश्मीर, अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर में 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 प्रमुख पुलों का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह, नितिन जयराम गडकरी, डीवी सदानंद गौड़ा या अमित शाह? क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न बताइए, जवाब होगा दोस्तों यहां पर राजनाथ सिंह। पहला विकल्प, जम्मू कश्मीर में 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 प्रमुख पुलों का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। चौथे प्रश्न का पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, राजनाथ सिंह। पांचवा प्रश्न देखिए, 7 जुलाई 2020 को मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन MOCA नामक अंतर्राष्ट्रीय बैठक का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान या गजेंद्र सिंह शेखावत? चौथा ऑप्शन में गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि शायद आपको नहीं दिख रहा है, यहां पर देखिए अभी दिखेगा चारों ऑप्शन आप सबको। प्रकाश जावड़ेकर, ये वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रकाश जावड़ेकर, पांचवा प्रश्न है ना, बिल्कुल। Formula 1F, देखिए Formula 1 F1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। Formula 1 F1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? वाल्टर बोचास, लेविस हैमिल्टन, सेबेस्टियन विटल या माइकल? क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। क्या नाम है ये? माइकल स्क्यूमेचर, क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 6 में सही जवाब होगा पहला विकल्प, वाल्टर बोचास। फर्स्ट ऑप्शन के लिए जाएंगे, थोड़ा सा कठिन है ये करंट अफेयर, आई नो। सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स लेवल कठिन है ना करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर पहला बोचास बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है? लिटिल लिटिल, साधना सिंह, नेहा द्विवेदी, प्रियंका जायसवाल, कठिन नहीं है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। बहुत बढ़िया, कौन सा देश कोयला परमाणु ऊर्जा से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? बताइए कौन सा देश है जो कोयला और परमाणु ऊर्जा से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया? फ्रांस, इंडिया, जर्मनी या चाइना? क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपकी स्क्रीन पर। सातवां प्रश्न, जर्मनी इज करेक्ट आंसर, यहां पर जर्मनी के लिए जाएंगे, बिल्कुल सी ऑप्शन है, ठीक है? जर्मनी एकदम सही जवाब होगा। वैसे ये मोबाइल फोन की स्क्रीन से मैं लाइव हूँ, मोबाइल फोन का ये कैमरा है आप लोग जो देख रहे हो, ठीक है?
आई होप कि आप सबको क्लियर आ रहा होगा। इसमें काफ़ी फीचर है वैसे लाइव जाने के लिए, इसे ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, ये कलर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी ये एक बस प्रयोग कर रहा था कि चीज़ों को कितना हम बदल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स यूट्यूब में लाइव में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो भैया इस तरह से यूट्यूब लाइव तरह तरह का जुगाड़ करना पड़ रहा है। हालांकि नेटवर्क अब सही हो गया, आप लोग वैसे देख पाएंगे जैसे मुझे देखते हैं फेस टू फेस, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करके शतक लगा दो, सारे लोग वीडियो को लाइक करके शतक लगा दो। सिस्टम पे रहने पे वॉइस सही रहती है ना, अभी वॉइस स्लो है क्या? अभी तो सही आ रही होगी, जल्दी से लाइक कर दो सारे लोग। प्रियंका, सुमन यादव, बिग बॉस, प्रमोद चौधरी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सृष्टि, क्या बफरिंग कर रहे हैं अभी भी?